नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले एक्सेस पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा एक नेटवर्क डिवाइस है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोज की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्सेस पॉइंट। An access point, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोल सकते हैं, act as a wireless bridge between wired and wireless devices. तो wired जो तारों के जरिए कनेक्टेड होते हैं, और जो wireless बिना तारों के होते हैं devices, उनके बीच में एक पुल का काम करता है हमारा access point, ठीक है, एक wireless bridge की तरह काम करता है। It is dedicated Wi-Fi hotspot, ये एक समर्पित Wi-Fi hotspot है, allowing devices to connect to a network without needing a physical cable. बिना physical cable के वो क्या करता है, जो डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करने के लिए क्या करता है, अनुमति देता है, अलाउ करता है, ठीक है। इसको देखते हैं हम यहाँ पर फिगर के थ्रू, चित्र के थ्रू देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे डिवाइसेस हैं, एक कंप्यूटर है हमारा, पीसी है हमारा, ये पीसी है, ये कंप्यूटर है, ठीक है। ये राउटर के थ्रू क्या है हमारे, वायर तरीके से कनेक्टेड है, वायर्स के थ्रू, ठीक। फिर ये एक्सेस पॉइंट से क्या है हमारा, राउटर वायर के तरीके से कनेक्ट है, फिजिकल केबल से कनेक्टेड है एक्सेस पॉइंट से। अब ये जो एक्सेस पॉइंट है, इससे जो हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड है वो क्या है, वायरलेसली कनेक्टेड है, ठीक है, वायरलेसली रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारे कनेक्टेड है डिवाइसेस एक्सेस पॉइंट से, ठीक। एक्सेस पॉइंट का यही काम है कि वो वायरलेसली हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करवाता है, क्लियर है बात। अब देखते हैं हाउ एक्सेस पॉइंट्स वर्क्स, कि जो हमारे एक्सेस पॉइंट्स है वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। वायर कनेक्शन, एन एक्सेस पॉइंट कनेक्ट्स टू अ वायर्ड नेटवर्क टिपिकली थ्रू ईथरनेट केबल्स रिसीविंग डेटा फ्रॉम द नेटवर्क। तो जो हमारा एक्सेस पॉइंट होता है वो वायर नेटवर्क के थ्रू हमारा कनेक्ट होता है, ठीक, कनेक्ट्स टू अ वायर्ड नेटवर्क टिपिकली थ्रू ईथरनेट केबल रिसीविंग डेटा फ्रॉम द नेटवर्क। तो जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारा एक्सेस पॉइंट है ये राउटर से वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, जहां से हम ये क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को ले रहा है, ठीक है, ईथरनेट केबल के थ्रू हमारा कनेक्टेड है ये वायर्ड नेटवर्क से, रिसीविंग डेटा फ्रॉम द नेटवर्क, नेटवर्क से रिसीव कर रहे हैं डेटा को। वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन, द एक्सेस पॉइंट एपी देन ब्रॉडकास्ट दिस डेटा एज रेडियो वेव्स क्रिएटिंग अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क लैन, ठीक। तो फिर जो ये एक्सेस पॉइंट ने डेटा ले लिया वायर्ड के थ्रू, फिर ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, प्रसारित करेगा उस डेटा को रेडियो वेव्स के थ्रू, क्रिएटिंग अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिससे क्या बना देगा, एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बना देगा, और जिसको हम बोल सकते हैं वाईफाई नेटवर्क बना देगा, ठीक है। दिस नेटवर्क इज एक्सेसिबल टू एनी डिवाइस विद इन इट्स रेंज That has Wi-Fi capabilities. तो जिस भी हमारे डिवाइस के पास Wi-Fi की capabilities है, Wi-Fi से कनेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा हमारा ये नेटवर्क, ठीक है। अगर उसकी रेंज में कोई डिवाइस है तो वो उस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, क्लियर है बात। डिवाइस कम्युनिकेशन, डिवाइस लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स कैन कनेक्ट टू एक्सेस पॉइंट्स वाईफाई नेटवर्क बाय एंटरिंग द एप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल्स सच एज पासवर्ड। तो पासवर्ड को हम फिल करके हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को, ठीक है, एक्सेस पॉइंट से। वंस कनेक्टेड दीज डिवाइसेस कैन एक्सचेंज डेटा विद इन द वायर्ड नेटवर्क थ्रू द एक्सेस पॉइंट। तो अगर वो एक बार कनेक्ट हो जाते हैं हमारे वायरलेसली डिवाइसेस, तो वो जो हमारा नेटवर्क है उसमें क्या कर सकते हैं, डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा को विद इन द वायर्ड नेटवर्क थ्रू द एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट के थ्रू ये हमारा एक्सेस पॉइंट है, ये जो हमारे डिवाइसेज हैं, ये डिवाइसेज हैं, इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू ये जो हमारा वायर्ड नेटवर्क है, इसमें डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। अब देखते हैं की पॉइंट्स अबाउट एक्सेस पॉइंट्स, कुछ मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ मुख्य पहलू देख लेते हैं। एक्सटेंड्स नेटवर्क कवरेज, तो जो नेटवर्क की कवरेज है उसको बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है, विस्तार कर देता है। एक्सेस पॉइंट्स आर ऑफन यूज्ड टू एक्सटेंड द रीच लेवल ऑफ अ वायर्ड नेटवर्क, अलाउइंग वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट इवन इन एरियाज व्हेन रनिंग केबल्स आर इम्प्रैक्टिकल। तो ये क्या करता है, जो हमारा वायर्ड नेटवर्क है उसके उसकी रीच को क्या करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि हम जो कनेक्शन कर रहे हैं वो वायरलेसली कर रहे हैं, बिना तार के जरिए कर रहे हैं, तो जहां पर केबल्स को इंस्टॉल करना, इम्प्लीमेंट करना इम्प्रैक्टिकल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर क्या करते हैं, हम वायरलेस डिवाइसेस, वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करते हैं, एक्सेस पॉइंट का यूज करते हैं, जहां से हमारे जो वायरलेस डिवाइसेस है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स इन लार्ज बिल्डिंग्स और कैंपसेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या फिर बड़े बड़े परिसरों में कैंपसेस में मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स कैन बी डिप्लॉयड टू क्रिएट अ वाइडर एंड मोर रोबस्ट वाईफाई नेटवर्क कवरेज।
तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है या कैंपसेस है उनमें मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि हम बड़े स्तर पर मजबूती से वाईफाई नेटवर्क को लगा सकें और वाईफाई नेटवर्क कवरेज को हम बढ़ा सकें। ठीक है, सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें, सुरक्षा की बात करें, अगर हम मॉडर्न एक्सेस पॉइंट्स टिपिकली ऑफर सिक्योरिटी फीचर्स लाइक WPA2 एनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट यूर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और डेटा ब्रीचेस। तो अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है या फिर डेटा जो ब्रीचेस है, डेटा को उल्लंघन कर सकते हैं, जो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हम हमारे जो अब जो मॉडर्न एक्सेस पॉइंट्स हैं वो क्या हो गए हैं, सिक्योर हो गए हैं, उनमें सिक्योरिटी फीचर्स आ गए हैं, सिक्योरिटी की विशेषताएं आ गई हैं, जैसे कि WPA एनक्रिप्शन की, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से। ठीक है, अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एक्सेस पॉइंट्स, एक्सेस पॉइंट्स को यूज करने के क्या फायदे हैं। इंप्रूव्ड मोबिलिटी, मोबिलिटी का क्या मतलब, आप मूव कर सकते हो। एनेबल वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर वेरियस डिवाइसेस एनहांसिंग यूजर मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द नेटवर्क। तो एक नेटवर्क में जैसे एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, उसकी कुछ रेंज है, मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर, तो 100-200 मीटर में आप मोबिलिटी का क्या मतलब, मोबाइल आप घूम सकते हो, कहीं पर भी आपको वो कवरेज मिलेगी नेटवर्क की। ठीक है, आप डेटा को यूज कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, फ्लेक्सीबल हो गया, लचीला हो गया। ठीक है, स्केलेबिलिटी, इजी टू एक्सपेंड द नेटवर्क कवरेज बाय एडिंग मोर एक्सेस पॉइंट्स एज नीडेड। तो इसको जो ये हमारा एक्सेस पॉइंट्स वाला नेटवर्क है, इसको बढ़ाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स लगा करके अपने जो नेटवर्क है उसकी कवरेज एरिया को बढ़ा सकते हैं, उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जरूरत के अनुसार। कॉस्ट इफेक्टिव, जो इसकी लागत है, और लागत प्रभावी एक्सेस पॉइंट है हमारा ये। कंपेयर टू रनिंग केबल्स थ्रू आउट अ लार्ज एरिया, एक्सेस पॉइंट्स कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग वायरलेस एक्सेस। अगर हम मान लें कि एक एरिया में केबल्स बिछे हुए हैं, केबल के जरिए हमारा जो इंटरनेट है वो यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर हम वहां पर क्या लगा देते हैं, एक्सेस पॉइंट्स लगा देते हैं, तो जो केबल का खर्चा है उसके कंपैरिजन में क्या आएगा, एक्सेस पॉइंट्स का खर्चा क्या आएगा, बहुत कम आएगा, तो इसलिए वो क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। ये समझ सकते हैं आप, क्लियर है। तो ये हमारे क्या बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एक्सेस पॉइंट्स है। यहाँ पर देखते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस पॉइंट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इमेजिन अ कॉफी शॉप इक्विप्ड विद अ एक्सेस पॉइंट, मान लीजिए एक कॉफी शॉप है जहां पर एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है। कस्टमर्स कैन कनेक्ट देयर लैपटॉप्स स्मार्टफोन टैबलेट्स टू द कॉफी शॉप वाईफाई नेटवर्क क्रिएटेड बाय एक्सेस पॉइंट। तो जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो जो कॉफी शॉप का वाईफाई नेटवर्क है उससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप स्मार्टफोन टैबलेट्स को वायरलेसली, जो कि एक्सेस पॉइंट बनाया गया हमारा, जो वाईफाई नेटवर्क वो क्या है, एक्सेस पॉइंट के द्वारा बनाया गया टू द एक्सेस द नेटवर्क, ताकि वो उस नेटवर्क का इंटरनेट का यूज कर सकें, मेल चेक कर सकें, ब्राउज द वेब कर सकें, और भी बहुत सारी फंक्शन कर सकें। ठीक है, इन एसेंस एक्सेस पॉइंट्स ब्रिज द गैप बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस पार्ट्स। तो अगर बात करें तो जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो एक ब्रिज का जो गैप है, पुल का गैप है, उसको भर देता है बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस। जो वायर्ड और वायरलेस हमारा मान लीजिए एक नेटवर्क है या दुनिया है, उसके बीच के गैप को भर देता है, एनेबलिंग वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विद ब्रॉडर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। जिससे वो क्या करता है, एनेबल करता है जो कि वायरलेस डिवाइसेस हमारे कनेक्ट हो सके, इंटरेक्ट कर सके एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत ही बड़े पैमाने पर। ठीक है, ब्रॉडर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये हमारी क्या थी, इसके बारे में, एक्सेस पॉइंट के बारे में जानकारी थी। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, क्या इसका एग्जाम्पल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।